एक्सपीरियंस जितने भी लोग इस एल्बम के साथ इन्वॉल्व हुए, इसके साथ एसोशिएट हुए, सबसे अच्छी बात हुई कि वो सब के सब भावपूर्ण भाव से इसके साथ इन्वॉल्व हुए, तो कभी ऐसा लगा नहीं कि वो दूसरे लोग हैं। और इसीलिए जब भी कभी कोई भी बात हुई तो सबका ध्यान इस तरफ था कि गाने को सबसे अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। उसमें कभी हमने कंप्रोमाइज़ किया या हमने वर्ड्स को चेंज किया, कभी उन्होंने गाने की स्टाइल को चेंज किया, कभी उन्होंने म्यूज़िक को चेंज किया, बट आइडिया यही था कि सबसे अच्छा गाना कैसे बनाया जाए। और सबसे अच्छे गाने की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन, वो ये है कि वो दूसरे के दिल को छूना चाहिए। देखिए, जब शब्दों में, मैं तो कहता हूँ शब्दों में ट्यून छिपी होती है, कई बार कई शेड्स की ट्यून होती है, उसको ढूंढना एक कंपोज़र का काम है, फिर उसको सजाना। लेकिन क्या होता है कि हमें कई बार लगता है कि ये इस एंगल से ये ट्यून सही है या शब्दों के साथ न्याय हो रहा है इस तरह से, तो उनको अलग ढंग से लगता है। लेकिन मुझे तो बड़ा आनंद आया क्योंकि इन्होंने जो भी लिखा उसमें बहुत कम चेंजेस हमने करे, इतने परफेक्ट पहले से लिखे हुए थे। फिर भी कभी कभी फोनेटिकली, जैसा अभी आपको रेखा जी ने बताया, कुछ कभी कभी होता है गाने में, कुछ कभी कभी उसकी जो रवानी होती है उसमें कमी हो जाती है, तो उस हिसाब से भाव वही रखे, अर्थ वही रखे, और रवि जी ने हमेशा उसमें हमारा साथ दिया। इसको हमने मूनलाइट विस्पर्स इसलिए भी कहा कि जब कोई आदमी किसी के कान में फुसफुसाहट के साथ गुनगुनाता है तो वो तभी गुनगुनाता है जब उस आदमी को लगता है कि दूसरे वाला मेरे बहुत करीब है, और उस करीबीपन को दिखाने के लिए भी कि हमारे गाने ऐसे हैं जैसे आपके कान में कोई गुनगुना रहा है, और जो आपके कान में गुनगुना रहा है वो आपके दिल की खुद की आवाज़ है जो आपको सुनाई दे रही है। इसलिए इसका नाम हमने मूनलाइट विस्पर्स रखा, और मूनलाइट इसलिए क्योंकि चंद्रमा है, चंद्रमा के कई रूप रात में होते हैं, तो रोमांस के इसी तरह से बहुत सारे रूप होते हैं, शुरू में कुछ अच्छे होते हैं, उसके बाद रोमांस का पूरा चढ़ाव होता है, और जब सुबह चांदनी जब घुलने लगती है तो उसका असर दूसरा होता है। तो इसी तरह हमारी ऐसी उम्मीद है कि हमारे जो 8 गाने इसमें रोमांस के हैं वो उसमें लोगों को चांद के डिफरेंट शेड्स का आभास होगा, और ये आभास होगा कि उनके कान में कोई गुनगुना रहा है, और जो वो गुनगुना रहा है वो खुद वही हैं जो गुनगुना रहे हैं। रेखा जी हैं जो गुनगुनाते हैं, हमें दिखाई देंगे। रेखा जी, जब आपको कहा गया कि पोइट्री को गाने में तब्दील करनी है, तो कैसे किया आपने और कैसे सब कुछ बनाया आपने? कुछ हम जरा तुम बताओ कैसे किया। गाना गाती हूँ यार, तो पोइट्री तो गाऊंगी ना, बिना लफ्जों के तो कोई चीज़ नहीं गाते। सिर्फ ये है कि हाँ, क्योंकि ये गाने जैसे वो बता रहे हैं रोमांटिक सॉन्ग्स, कॉम्पोजिशंस इतने अच्छे बनाए विवेक जी ने, तो एक दो जगह जहाँ लफ्ज कुछ बदलने थे तो रवि जी वॉज जेनरस इनफ टू चेंज दोज वर्ड्स, और कोई उसमें कोई मुश्किल नहीं आई। और क्योंकि धुन अच्छी, लिरिक्स अच्छे, तो फिर मेहनत सिर्फ इतनी करनी होती है कि वो गाना अपने अंदर बस जाए, और फिर उसकी अभिव्यक्ति अपनी बन के निकलती है, फिर वो गाना मेरा हो जाता है। तो बस ये है। बहुत अच्छा रहा, मैं कहूँगा सब लोगों ने बहुत कोऑपरेशन से, बहुत प्रेम से गाया, और जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा गाया, जितना मैंने बनाया था उसमें और तराश करके और निखार करके गाने गाए। कुछ आप रेखा जी के बारे में कुछ आप बता रहे थे। मैं रेखा जी के बारे में ये कह रहा था कि जब भी कोई भी गायक किसी गाने को इस तरह से गाए कि उसकी रूह उस गाने के चारों तरफ लिपट जाए, अगर मैं ये बोलना चाहूँ, या जो आपका सारा भाव है वो लगे कि वो गाना नहीं गा रहा है, वो गायक अपनी बात एक आपको कह रहा है, मतलब उस गाने के अंदर इतना ढल जाए कि वो गाना लगे कि वो अपनी बात अपने दिल से आपके सामने कह रहे हैं, तो रेखा जी के पास वो प्रतिभा है, और प्रतिभा से ज़्यादा वो डेडिकेशन है, क्योंकि प्रतिभा बहुत लोगों के पास होती है, डेडिकेशन, समर्पण बहुत कम लोगों के पास होता है। तो कई गाने ऐसे होते हैं जिसमें आदमी को समर्पित अपने आप को करने में आसानी होती है, क्योंकि वो गानों के बोल उसके अपने दिल के अंदर होते हैं, उसकी अपनी सोच ऐसी होती है। तो जैसा कि आपको रेखा जी ने बताया कि इनकी सोच प्रेम को बांटने की है, प्रेम को दूसरे तक पहुंचाने की है, तो इसीलिए जितने भी गाने, जब हमारे गाने भावनात्मक थे और उसमें एक गाना था मेरे मौला तू सबकी दुआओं का सिला दे दे, जब वो गाना इनके पास पहुंचा तो इनको ऐसा लगा कि ये मेरी खुद की सोच है जो शब्दों में, लफ्ज़ों में किसी ने डाल दी है,
तो उस गाने का फिर आनंद ही, गाने का आनंद ही दूसरा होगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, पोइट्री का एक्चुअली यही होता है कि जब अच्छी पोइट्री हम सुनते हैं ना, तो हमें लगता है अरे यही तो कहना था। अच्छी पोएम या अच्छी कविता का यही होता है, और इसलिए वो अगर अच्छे लिरिक्स मिल जाए पहले आपको और फिर उनकी धुन आपके मुताबिक हो जाए तो फिर काम आसान हो जाता है। फिर बस हमको तो महसूस करना है गाने को, अपना तो, बनाना मैं है। मैं तो ये कहता हूँ दीदी, गाना लिखा होता है अच्छा जी, तो आपको बनाने में आनंद आता है, और फिर जो एक गाना गाता है वे, कोई व्यक्ति, वो उसको उतना महसूस करके प्रोसेस हो जाती है, और उसके बाद में जब पूरा गाना बन के सामने आता है तो बाकी लोग भी उसे उतना ही पसंद करते हैं। गाने की अच्छी बात क्या होती है कि वो दिल से निकलना चाहिए और दिल तक पहुंचना चाहिए, और कोई भी चीज़ जो दिल से निकलेगी और दिल तक पहुंचेगी वो शब्दों में बहुत आसान होगी, वो मुश्किल नहीं होगी, उसको ऐसा लगेगा कि मेरी खुद की लैंग्वेज है। बिल्कुल, और ये भी होता है कि जब हमें खुद को आनंद आ रहा है काम करने में तो वो इट इज़ बाउंड टू रीच पीपल। सिर्फ अब ये है कि टेक्निकली रीच पीपल मतलब वो कंपनी या जो भी इसको रिलीज कर रहे हैं जिस भी प्लेटफॉर्म पर, वो हम कितने लोगों को मुहैया कराते हैं ये उस पर डिपेंड करता है। एक आखिरी सवाल मैडम ने तो गाने हमें सुनाया, पोएट्री हम आपकी जुबान से दो तीन लाइन अगर हमारे व्यूअर्स को आप सुना जी, मैं वो गाना सुनाना चाहता हूँ जो रेखा जी ने गाया है। उस गाने के पहले दो बोल हैं, मेरे मौला तू सबकी दुआओं का सिला दे दे, मेरे मौला तू सबकी दुआओं का सिला दे दे, सारी दुनिया को दोस्ती का सिलसिला दे। थैंक यू सो मच, आप गाएंगे नाम आपका होगा, लोग बोलेंगे बेचारे में शर्माती है। हाँ करवा लो, हाँ वो भी सही है, लेकिन ये बात लेफ्ट राइट वाले को हटा रहा हूँ, हम हटा खबर खुद ही हटा। अजय अजय फ्रेम ले, बहुत अच्छा लगा। और विवेक जी ने मुझे फ़ोन किया जिन्होंने इसकी धुन तैयार की है, और जब मैंने गाना सुना मुझे इमीडिएटली लगा मुझे ये गाने चाहिए, मुझे ये गाने ज़रूर गाने चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत दिनों बाद और जो आज का माहौल है जिस तरह की गाने आजकल लोग सुनते हैं उससे बहुत परे है ये, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि हमारे पूरे पुराने जो गाने हैं जो मेलोडियस होते थे या फिर जिनमें जिनके बोल बहुत स्ट्रॉन्ग थे कि आपके जहन में अभी भी वो पुराने गाने याद आते हैं, उनके बोल आपको याद है, तो ये आपको उस ज़माने में ले जाएगा, लेकिन इसके अरेंजमेंट बहुत मॉडर्न है। तो ऐसा कह सकती हूँ कि आज की जो पीढ़ी है अगर वो कुछ नया सुनना चाहती है लेकिन मोर मेलोडिक एंड मोर वेरी वेल प्रोड्यूस्ड एल्बम, तो ये एक एल्बम ऐसा है। और टाइम्स म्यूज़िक को बहुत बधाई दूंगी कि जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को ना पकड़ते हुए थोड़ा अलग उन्होंने कुछ पेश किया है ऑडियंस के लिए। जब पोएट्री को कन्वर्ट करना पड़ा वो गाने में, तो वो कितना इजी था आपके लिए, कितना टफ था, कंफर्टेबल था आपके लिए? देखिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर धुन स्ट्रांग हो और उसके बोल उस पर ऐसे लिखे गए हों कि जैसे पता ही नहीं चले कि पहले धुन बनी या पहले बोल लिखे, तो अगर वो पता ही नहीं चले तो सिंगर का काम बहुत आसान हो जाता है। सिर्फ वो धुन को सुनना है, उसको उतारना है और वर्ड्स को फील करके उसको बयां करना है, और ये बहुत आसान हो गया बिकॉज़ रवि जी ने बहुत खूबसूरत बहुत सिंपल, जैसे
आम जो कहते हैं ना वो एकदम सिंपल बातें उन्होंने कही हैं, और जो जैसे मैंने कहा इस पीढ़ी को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सरल लैंग्वेज में उन्होंने ये गाने लिखे हैं, बहुत खूबसूरत हैं। उदी जी के साथ बहुत दिनों बाद मुझे एक गाना गाने का मौका मिला, एक डुएट है, मैंने एक सोलो गाया है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है एल्बम रेखा जी हैं, जावेद हैं, बहुत सुरीले। मैंने बाकी गाने नहीं सुने हैं, रेखा जी का एक गाना सुना है, मैं भी उत्सुक हूँ बाकी गाने सुनने के लिए। पर मुझे यकीन है कि एल्बम बहुत खूबसूरत तैयार हुआ है, बिकॉज जैसे आपने कहा इतने बड़े कलाकारों ने गाया है, इतने सुरीले कलाकारों ने गाया है, जिनका नाम ही इसीलिए इसीलिए उनकी पहचान बनी है कि वो सुरीले गायकों में से माने जाते हैं। तो इनके बीच में शामिल होना मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दिस। अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या होंगे आपके? पिक्चरों में काफ़ी सारी फिल्में हैं, पर जब तक रिलीज़ ना हो पता ही नहीं चलता, कभी फिल्में रिलीज़ होती हैं नहीं होती कुछ पता नहीं चलता। तो अभी बताना, बट काफ़ी सारे गाने आ रहे हैं। जी ज़रूर। जुगनू आँखों में सजाएं तो गजल होती है, जुगनू आँखों में सजाएं तो गजल होती है, दियाशकों से जलाएं तो गजल होती है, जुगनू आँखों में सजाएं तो गजल होती है। सर आइए पास में, आप दूर मत जाइए। कैसे जा रहे हैं आप? सर जब आई थिंक विवेक जी या रवि जी ने जब आपको बताया होगा कि मूनलाइट जैसा एक हम एल्बम कर रहे हैं उदित जी, और उसमें आपके एक या दो गाने या तीन गाने कर रहे हैं जी, क्या कुछ फील किया आपने, क्या फीलिंग थी आपकी? विवेक जी से मेरी मतलब भाईचारा दोस्त जैसा संबंध रहा हमेशा, और मुझे पहले से ही मालूम है कि ये खुद बहुत गुणी हैं, मतलब एज ए सिंगर एज ए कंपोज़र ही इज़ फंटास्टिक। और रवि जी के बारे में कहना, मतलब मैं जितनी तारीफ़ करूं सब तारीफ़ कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादा तारीफ़ इसलिए करूंगा कि एक सिंगर को अगर एक खूबसूरत कविता गाने को मिले, एक खूबसूरत थॉट्स गाने में हो, और ग्रामेटिकली से लेके हर वर्ड्स हर चीज़ इतना खूबसूरत हो, तो वो मैंने रवि जी में पाया। और सबसे खूबसूरत बात इसमें ये है कि टाइटल बहुत अच्छा है, मूनलाइट विस्पर, और बहुत खूबसूरत गीत लिखे हैं हमारे, गाने लिखे हैं रवि साहब ने, और उतना ही खूबसूरत संगीत से इन्होंने सजाया है। और जब इन्होंने मुझे सुनाया, जब इन्होंने मुझे गाने सुनाए, तो मैं इनको कहा, पहले तो मैं एक महीना लिया मैं बोला यार कर लेंगे, हो जाएगा, सुनेंगे, देखेंगे, लेकिन जब इन्होंने गाना सुनाया तो मैं खुद इनको फ़ोन करने लगा कि कभी रिकॉर्डिंग करोगे आप, जल्दी करो। ये इनका बड़प्पन। नहीं, ये सच है। और एक से एक कंपोजिशन इन्होंने सुनाया और सुन के मज़ा आ गया। तो तीनों गाने मुझे लगता है कि रेखा भरद्वाज जी हैं, और जावेद जी हैं, महालक्ष्मी अय्यर हैं, और इतने गुणी लोग हैं, तो मुझे भी मौका मिला और मैंने भी कोशिश किया है कि लोगों को पसंद आए। तो टाइम्स म्यूज़िक ने रिलीज़ किया है, और मेरी शुभकामनाएं हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये एल्बम मूनलाइट विस्पर, ये जैसा खूबसूरत टाइटल है वैसा ही हिट भी होगा। पोइट्री को गाने में कन्वर्ट करना कितना आपके लिए कितना कंफर्टेबल था, कितना इजी था आपके? देखिए गाने, रवि जी की जो पोइट्री थी उसको गाने में बनाया है आपने, विवेक जी? नहीं, इन्होंने बनाया, मैंने उसको कोशिश किया गाने की, लेकिन मेन जो काम इन्होंने कर दिया, एक क्या है खूबसूरत चीज़ इन्होंने लिख दिया, उस चीज़ को इन्होंने उतना ही खूबसूरत अंदाज से कंपोजिशन दिया। और मैंने कोशिश किया है कि जब लिखावट इतना सुंदर है और कंपोजिशन इतना सुंदर है, तो मैं भी कोशिश करूंगा अच्छा गाने की, क्योंकि मेलोडी जो चीज़ है वो फॉरएवर है और एवरग्रीन मानते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो एक गाना होता है ना,
वो जो एक पोएट होता है, कवि होता है, वो एक लकड़ी का गुटका देता है, उसके बाद में फिर उसमें से तराश करके एक मूरत बनाता है म्यूज़िक कंपोज़र। तो लकड़ी का गुटका इन्होंने दिया रवि जी ने, म्यूज़िक से उसे तराशा मैंने, और उसके बाद में उसमें जो साज सज्जा श्रृंगार करके अच्छे अच्छे कपड़े बना के लोगों के सामने लाने का, प्रेजेंट करने का जो काम है, वो उदित जी की आवाज़ ने किया। उनकी बड़प्पन है लेकिन मेहनत। मूनलाइट विस्पर्स जो है ना, ये ऐसी रोमांस की ऐसी तरंगे हैं जो चांद के जो अलग अलग रूप होते हैं, इस तरह से रोमांस, जैसे चांद अपने रूप सारी रात में बदलता रहता है, ऐसे रोमांस के क्या क्या रूप होते हैं, वो सारे रूप जो हैं वो इस एल्बम में हैं। और उदित जी ने जैसे गाया है, वो गायक उस सारी भावनाओं को खुद में ले लेता है और फिर वो इस तरह से गाता है जैसे कि वो आपके कान में गुनगुना रहा हो, फुसफुसाहट रहा हो। इसीलिए इसका नाम हमने मूनलाइट विस्पर्स रखा कि जब वो फुसफुसाहट, वो गुनगुनाहट आपको सुनाई देगी तो आपको लगेगा कि ये आपका दिल ही जो है ये बात कह रहा है। और जब आदमी फुसफुसाता है किसी के कान में तो आदमी ध्यान से सुनता है। तो आप जिसके कान में फुसफुसाते हैं वो आपके बहुत करीब होता है, क्योंकि उसके बगैर आप कर नहीं सकते। और जब आपका दिल ही आपसे फुसफुसाहट से बात करने लगे, तो शायद हमारी ऐसी कोशिश है कि परमा ज्योति फाउंडेशन और टाइम्स म्यूजिक ये जो रिलीज़ कर रहा है, ये लोगों को अपनी खुद की आवाज़ उनके कानों में फुसफुसाहट के तौर पर पहुँचे, जो गाने हमारे उदित जी ने गाए। बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं इसमें। इसी एल्बम के दो लाइन जिंदगी नहीं कि दूसरा कोई टूटा तारा मेरी आँखों में यूं पिघला कैसे, फिर तेरा नाम होठों से यूं निकला कैसे, यूं निकला कैसे। हारे ना कोई बाजी जिंदगी के खेल में, हारे ना कोई बाजी जिंदगी के खेल में, सब जीते दोस्ती में यहाँ तू फैसला दे दे। हो मेरे मौला तू सबकी दुआओं का सिला दे दे, हो मेरे मौला तू सबकी दुआओं का सिला दे दे। सारी दुनिया को दोस्ती का एक सिलसिला दे दे, हो मेरे मौला तो सबकी दुआओं का सिला दे दे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या अभी वीडियो देख लिए हम लोग? म्यूजिक वीडियो अभी यहाँ पे प्ले किया जाएगा, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ ये म्यूजिक वीडियो देखिए। प्रमा ज्योति फाउंडेशन के कॉज को ये वीडियो डेडिकेट कर रहा है। आप सबसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जस्ट टर्न हो जाइए, ये पीछे आपके जिनकी लिस्ट मुझे दी गई है, और मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर आएं। हमारे सामने गौरी जी भी हैं टाइम्स म्यूज़िक से, इनसे अधिक विशिष्ट कौन हो सकता है, क्योंकि अभी इन्हीं को पहुँचाना है घर घर तक। हमारे सबसे आदरणीय नारायण अग्रवाल जी यहाँ पर हैं। नारायण अग्रवाल जी से मैं निवेदन करूँगा कि वो आएँ यहाँ मंच पर। हमारे एक बहुत बेहतरीन बड़े भाई एक और यहाँ पर उपस्थित हैं, मदन पाल साहब। मदन पाल साहब से मैं निवेदन करूँगा, फिल्म आशिकी से लेकर न मालूम कितने गाने आपने इनके सुने हैं। आज यहाँ हमारा सौभाग्य है कि मदन पाल साहब यहाँ हमारे बीच में हैं। मदन पाल साहब की बहुत बेहतरीन गज़लें मैंने भी गाई हैं, और प्रभाकर शुक्ला जी ऑलरेडी हैं। हरजीत सिंह साहब जो है हमारे बहुत बेहतरीन फोटोग्राफर, हरजीत सिंह साहब। और हरजीत सिंह साहब कहाँ हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। और दिलजान वाडिया साहब हमारे एक्टर हैं बहुत बेहतरीन, दिलजान साहब, उनका भी स्वागत है, वो भी आए यहाँ पर। मुदस्सिर अली
बहुत बेहतरीन सिंगर हैं, मुदासिर अली भी आए यहाँ पे, और हमारी प्रीतिका शर्मा भी आए। सो अब हम जरा सा ये पीछे की तरफ ध्यान देंगे और आप सब सामने की तरफ ध्यान देंगे संभाल के। शुक्रिया। आप सबके पीछे ये एक छोटी सी यंत्र प्रणाली लगी हुई है, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाएंगे तो सबके सामने क्या है, कुछ लोग उधर आ जाएं, कुछ लोग इधर आ जाएं। और हमारे एक बहुत सम्मानीय अतिथि अशोक अडवाणी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, अशोक जी से भी मैं निवेदन करूँगा। और हमारे एक और बहुत विशिष्ट अतिथि विदुप अग्रहरि साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, विदुप जी के लिए जोरदार तालियां, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये भी सोशल एक्टिविस्ट हैं और श्याम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से हैं, विदुप अग्रहरि जी। और एक और खूबसूरत बात है कि ये गाना भी बहुत बेहतरीन गाते हैं। विदुप जी आपका स्वागत है। मैं ऐसे ही आप सबसे निवेदन करता हूं कि प्लीज़ थोड़ा सा इस तरफ आएं और ये ऐसे घुमाएं, एक दल इस तरफ एक दल उस तरफ। आइए उदित जी, अरे महालक्ष्मी जी आइए इधर। अरे रुकिए, जोरदार तालियां हो जानी चाहिए फॉर दिस ब्यूटीफुल मोमेंट। Three cheers for the entire team of Moonlight Whispers. Congratulations everyone. हमारे कुछ और यहाँ पे मित्र हैं जो अलग अलग जगहों के CEOs हैं, मैं उनसे भी Ha ha ha.